साउथ सिनेमा का क्रेज इन दिनों खूब है। विजय थलापति की तमिल फिल्म बीस्ट आई तो इसका हिंदी डब वर्जन भी आया है। हिंदी में इसका नाम रॉ रखा गया है और इसके डायरेक्टर हैं नेल्सन। सिनेमाघरों में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद अब साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म बीस्ट OTT पर भी खूब धमाल मचा रही है। 11 मई को ही फिल्म बीस्ट को एक साथ कई भाषाओं में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया और इसके साथ ही फिल्म ने नेटफ्लिक्स के टॉप 10 की लिस्ट में शीर्ष 3 पर अपना कब्जा जमा लिया है। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई एक फिल्म टॉप 3 स्थानों पर हो। बीस्ट का तमिल, हिंदी और तेलुगु वर्जन टॉप 3 स्थानों पर कब्जा जमाए हुए हैं। नेटफ्लिक्स की रैंकिंग के मुताबिक तमिल भाषा में बनी मूल फिल्म पहले नंबर पर है, वहीं बीस्ट का हिंदी वर्जन दूसरे और तेलुगु तीसरे नंबर पर कब्जा जमाए हुए हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है बड़ी संख्या में लोग इस फिल्म को देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। वहीं अनिल कपूर और बेटे हर्षवर्धन कपूर की फिल्म थार चौथे और आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी पांचवें स्थान पर है। आपको बता दें कि विजय की फिल्म बीस्ट 13 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। विजय और पूजा हेगड़े स्टारर इस फिल्म ने अपनी एक्शन से भरपूर कहानी से प्रशंसकों का भरपूर मनोरंजन किया। फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 240 करोड़ रुपए से अधिक का आंकड़ा पार किया था। फिल्म में विजय एक रॉ एजेंट वीरा की भूमिका में नजर आ रहे हैं। फिल्म में एक्ट्रेस पूजा हेगड़े भी विजय के साथ नजर आ रही है जो आतंकियों को मार गिराता है। फिल्म में विजय थलापति छाए हुए हैं। कमजोर कहानी के बावजूद विजय की एक्टिंग कमाल की है। अगर आप विजय के फैन हैं तो ये फिल्म आपको अच्छी लग सकती है। फिल्म में विजय एक रॉ एजेंट वीरा की भूमिका में है जो रॉ से इस्तीफा दे देता है क्योंकि एक गुप्त मिशन में उमर फारूक यानी लिलीपुट नाम के आतंकवादी को गिरफ्तार करने के चक्कर में एक मासूम बच्ची उसके हाथों से अनजाने में मारी जाती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित विजय एक मनोचिकित्सक से ट्रीटमेंट लेता है लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मनोचिकित्सक को एक बड़े मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ता है। उमर फारूक के साथ ही चेन्नई में मॉल में घुस जाते हैं और उस पर कब्जा करके करीब 250 लोगों को बंधक बना लेते हैं। विजय भी उस मॉल में ही होता है। वो छुपकर आतंकवादियों की प्लानिंग को विफल करने लगता है और एक एक करके वो आतंकवादियों को मार गिराता है। उधर एक भ्रष्ट गृह मंत्री की वजह से उमर फारूक रिहा कर दिया जाता है लेकिन विजय उसे पाकिस्तान जाकर ढूंढ लाता है और फिर से गिरफ्तार करवा देता है। एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले विजय ने जीवन में कई अभाव देखे हैं। पिता फिल्म प्रोड्यूसर थे लेकिन उनका काम कुछ चल नहीं रहा था। विजय की माँ कॉन्सर्ट में गाने गाती थी जिससे उनको 100 रुपये मिलते थे। जिस दिन ये पैसे मिलते थे उस दिन घर में खाने की व्यवस्था हो पाती थी। बचपन में विजय बहुत मस्तीखोर बच्चा था लेकिन उनकी छोटी बहन विद्या का मात्र 2 साल की उम्र में ही देहांत हो गया और विजय के चेहरे से हंसी और जिंदगी से ना समझी छीन गई। पढ़ाई आदि छोड़कर विजय ने एक्टिंग को पूरी तरह अपना लिया। कभी रोमांटिक फिल्म करते करते विजय का करियर काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहा। 2000 के दशक में विजय ने एक्शन फिल्मों में काम करना शुरू किया और विजय का सितारा बुलंदी पर पहुंच गया। आज विजय की फिल्म करने की फीस तमिल फिल्मों में सबसे ज़्यादा है, रजनीकांत से कम 3 गुना ज़्यादा। पिछले कुछ समय से विजय की फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। विजय की एक्टिंग, उनकी यूनिक डांसिंग स्टाइल, बेहतरीन एक्शन और शरारती आंखों से की जाने वाली कॉमेडी की वजह से देश विदेश में विजय के नाम पर लोग फिल्में देखने पहुंच जाते हैं। उनकी पिछली फिल्म मास्टर का जलवा अभी तक बरकरार है। इसके ठीक विपरीत उनकी हालिया फिल्म बीस्ट जो 13 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई वो बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा चली नहीं जबकि एडवांस बुकिंग बहुत अच्छी थी। इस वजह से फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। दर्शक फिल्म विजय की वजह से देखेंगे। विजय का किरदार फिल्म पर छाया हुआ भी है लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट कमज़ोर है। कहानी के क्लाइमेक्स में विजय फाइटर जेट मिग भी उड़ाते हैं। पाकिस्तान के F-16 विमानों को मारने के लिए वो सरकार से दसॉल्ट राफेल विमानों को भेजने की दरख्वास्त करते हैं। ओवरऑल विजय और एक्शन के लिए फिल्म देखी जा सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।